रामबन जिले में गुज्जर गली इलाके में लोगों ने पीएमजीएसवाई विभाग के अधिकारियों के कामकाज पर कई सवाल उठाए हैं। दरअसल गुज्जर गली सड़क की मुरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन लोगों के अनुसार विभाग के अधिकारियों ने उनकी जमीनों का इस्तेमाल कर उन्हें नुकसान पहुंचाया और सड़क का काम भी आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। लोगों के अनुसार पीएमजीएसवाई विभाग सड़क पर रेत के बजाय डस्ट का इस्तेमाल कर रहा है और सरकार का 4,50,00,000 रुपए हड़पने की कोशिश में अधिकारी लगे हुए हैं। के या रोड खून गए तो सब्सिडी डस्ट की रेत की जगह डस्ट लाए करें, रात काम करें, तैयारी कोई नहीं करता, कोई डंगोर नहीं, कोई देवार नहीं। देवार गली रोड जड़ी है या गुजर गली रोड में जो पहले काम शुरू स्टार्ट हुई भी है, देवार खून गए तो तबाही कर गए सब्सिडी। देखो जी, जितिया देवार थी उस देवार की जगह ये जी डंगा देना था, तो बाद में पहले खूनी जगह खून गया, फिर राल मिल गया डिपार्टमेंट के ना पता नहीं के आज की हमारा शेड्यूल है में जो नहीं है, शेड्यूल में नहीं था तो ये जगह क्यों खूनी। ये देखो 4,50,00,000 रुपये गवर्नमेंट ने इस रोड के वास्ते दितो के यो जितू पैक पॉइंट शुरू हो तू ले गए गुजर गली तोड़ी, इसका देवार अच्छी जिन जगह में जरूरी है देवार दो, जिन जगह में जरूरी है नाली बनाओ। जब यो काम नहीं हो 4,50,00,000 रुपये गवर्नमेंट को इसमें इसे लाश कर गया पीछे पीछे फायदे बंद जगह में करके तो चले जानो, ये जरूरत है नहीं। देखो मारी यह अपील है कि जितिया रेत लावे रेत की जगह रेत लावे, देवार मारी पकी रहेंगी उसकी जगह ये डस्ट लाए करें, या हमारी अपील है सरकार के आगे। या देखो डस्ट लगी हुई मिसाल रेत अगर गवर्नमेंट तय करे 4,00,00,000 रुपये इस वक्त गवर्नमेंट ने जमा की हो इस वास्ते रोड वाइड टेंडर, या डस्ट अगर लगा कर आज कल डस्ट लाई आज यह देखो यह डस्ट किराया करे, यह देखो क्या जरूरत है गवर्नमेंट ने काम कराने की, हमने ऐसी गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं है या इसमें या। ना ऐसा ठेकेदार आएंगी रेत नहीं लगती इसमें, बिल्कुल रेत नहीं, सिर्फ डस्ट का पर काम चला और सीमेंट तमाम मकानों से जाकर सीमेंट के आकर हम सारे इसको प्लस्तर बनाएंगे। चलो हम गरीब लोग हैं ना मजबूर हैं, हम क्या करें, हमारी कोई गुंजाइश नहीं बची। डस्ट लावा सर सर डस्ट क्यों तो सर डस्ट नहीं क्यों ठेकेदार ने ठेकेदार ना क्यों 8 बजरी ला कर आज बजरी सटा कर पीछे बस इस मान लीजिए 400 भी आ गई, हमारी पक्की जमीन थी इनमें अगर फाउंडेशन कटी जाए दीवार क्यों लग सकती। अच्छा के दीवार नहीं दे रहे हैं, दीवार नहीं दे रहे क्यों बोलते नहीं इधर दीवार का काम नहीं, फिर ये हमारी जमीन कच्ची क्यों की। जय से आपकी बात हुई? हाँ जय से हुई। क्या बोला? जय ने बोला जी आपकी दीवार नहीं लगेंगे पहले नाली लगेगी। क्यों पहले नाली क्यों? क्या पता है आपने पूछा उसको? पूछा उसको जी फाउंडेशन क्यों निकाली यहाँ। अच्छा फाउंडेशन पहले से निकाली? पहले निकाली है शुरू से जिसको काम स्टार्ट हुआ उसके बाद आए तो नाली शुरू कर दी। हमारी जमीने वैरान हो रही है, हम गरीब लोग हैं, आपने खुद देखा फसल की क्या हालात हो रही है। आज जिम्मेदारी है, जहाँ जरूरत काम की थी वहाँ नहीं किया, तो जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ कर रहे हैं। पहला काम भी यहीं से शुरू हुआ तो आज का भी 4,00,00,000-4,00,00,000 रुपए यहाँ खर्च हो रहा है। जो इससे पहले ठेकेदार थे क्या वो रेत लगा रहे थे डस्ट? ना वो रेत लगा रहे डस्ट, ये आज चल रही है। आज 4,00,00,000 में डस्ट ही आ रही है। आपने नहीं बोला ये डस्ट? हमने बोला, हमारी कौन मानता, गरीब ही कोई नहीं मानने वाला, ना कोई सुनता। हम क्या करें जी, ना हम गुजर लोग हैं, जरा हमारा भी बहुत जुल्म बड़े परस्ती आकर हम शरीफ कौम लोग हैं और हमारा भी जुल्म परस्ती है, कोई हमारी फरियाद इसी हुकूमत नहीं सुन सकती। इसी हुकूमत की हमें कोई जरूरत नहीं है, ना ऐसी हुकूमत होनी चाहिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान हमारे पास इतना बड़ा खर्चो दया कर दिल्ली तो अगर रोड मारी भी हालात हुआ करें। और 8 बजरी कोटा में बंद हुई भी है, कोर्ट केस करके भी क्रशर की बजरी आई, रेत की रेत चला कर बजरी भाई 8 बजरी चला कर दे आगे। हाँ हमारी सुन डालो, कोई नहीं सुन थारी मारी, हमारा मौको देखे जाए दीवार हमारी जमीन मौका देखा लड़ी। हाँ ये देख लो, यह लाता जनाब हमारे, ये देखो